गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सवेरे मॉर्निंग में कबूतर खोलने जा रहे हैं और मौसम भी बहुत बादल हो रहे हैं, फिर सब पानी वाला मौसम बन रहा है दोस्तों, हो सकता है पानी भी आ जाए, तो इसलिए अपन जल्दी कबूतर खोल के इन्हें दाना चुना देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं कबूतर खोल रहा हूँ और सारे कबूतर बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो सारे कबूतर धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। आह आह आह, ये सारे कबूतर, क्योंकि मेरी कुछ टाइम पहले मेरे कबूतरों में बीमारी आ चुकी थी, जिसके कारण कबूतर बहुत कम खुल रहे थे और बाकी कबूतरों को हमने बीमार कबूतरों को अलग कर रखा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारे कबूतर बाहर आ गए, तो चलते हैं दोस्तों, इनको दाना डालते हैं, फिर आपको अपना लॉफ्ट दिखाता हूँ जो मैंने इनका लॉफ्ट चेंज किया है, क्योंकि बीमारी चलते मैंने इनकी पेटियाँ और जो इनके खन थे सारे हटा दिए थे, क्योंकि उनमें बीमारी आ चुकी थी, तो सारी पुरानी पेटियाँ मैंने जला दी और नया सेटअप लगाया है अंदर, और वो सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ चल के। पहले इनको दाना डाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अपन ने दाना ले लिया है, तो अब इनको दाना डालते हैं, इससे दाना खा लें, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, तो इनको दाना खिला दिया है दोस्तों। और मैं आपको ले चलता हूँ अंदर अपने लॉफ्ट के अंदर, जो मैंने लॉफ्ट में चेंजिंग करी है वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पुराने लॉफ्ट में मेरे पुरानी जो पेटियाँ लगी थी वो सारी गंदी हो चुकी थी, उसमें बीमारियाँ आ चुकी थी। तो आप दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले अपने लॉफ्ट की सफाई करिए, और लॉफ्ट की सफाई करने के बाद उनकी पेटी की सफाई कीजिए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ आपकी रह जाती हैं जो पेटी से और लॉफ्ट की गंदगी से बनी रहती है। तो मैंने कोशिश करी है अपनी यहाँ पर लॉफ्ट में बीमारी को हटाने की, तो सारी पेटियाँ मैंने जो गंदी थी वो बाहर निकाल दी। अब लॉफ्ट में चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ नया सेटअप कैसा है, क्योंकि कबूतरों ने अब बीच में मेरे कबूतरों ने अंडे रखना ही बंद कर दिए थे, कोई बीमार चल रहे थे, तो उसके कारण चलते मेरे कबूतरों ने अंडे रखना बंद कर दिए थे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये कबूतर जो देख रहे हैं आप, ये टेढ़ की बीमारी में आ चुका है और काफ़ी टाइम से ये दाना नहीं चुन पा रहा था, तो इसको मैंने दवाई देना स्टार्ट करी थी, तो थोड़ा बहुत ठीक है। और लॉफ्ट की सारी सफाई करने के बाद अब उसका कुछ नज़ारा इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लॉफ्ट में ये सारी पेटियाँ नई लगाई हैं और कबूतरों ने अब काफ़ी हद तक ठीक हैं, और देख सकते हैं, और सारी सफाई मैंने लगभग लगभग पूरी हटा दी, क्योंकि जब मेरा लॉफ्ट में इतनी सारी बीट निकली थी दोस्तों कि मैंने करीब 5-6 साल से सफाई नहीं करी थी, तो 5-6 साल बाद सफाई करी थी दोस्तों, काफ़ी टाइम से कबूतर इसी में बंद रहते थे और मेरे को जॉब के चलते मैंने सफाई नहीं कर पाता था। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारे लॉफ्ट में ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक सारी पेटियाँ नई हैं, और कुछ कबूतरों ने अंडे भी रख दिए हैं, और कुछ कबूतरों को मैंने यहाँ पर सेटअप जमाया है नीचे, तो कुछ कबूतर यहाँ पर भी अंडे रखते हैं, यहाँ पर भी बच्चे निकालते हैं। तो इस दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप कबूतर पाल रहे हैं तो सफाई का विशेषतः ध्यान रखें, क्योंकि सफाई होना ज़रूरी है, और गर्मी में तो खासतौर से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई इसके कारण ही कबूतर स्वस्थ रहते हैं। तो मैंने काफ़ी हद तक सफाई कर दी है दोस्तों, और देख सकते हैं सारे कबूतरों की सफाई करने के बाद नई पेटी लगा दी है दोस्तों, ये सारी नई पेटियाँ दोस्तों, पुरानी पेटी मैंने सारी बाहर निकाल दी है और उनको जला दिया है, तो जिसके कारण बीमारी मेरे कुछ हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब चलते लॉफ्ट के बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनको क्या दवाई करी थी। देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे कबूतर मेरे बाहर घूम रहे हैं, और मेरे पास काफ़ी कबूतर थे तो सारे बीमारियाँ मर चुके हैं, और करीबन 12 से 15 कबूतर मेरी बीमारी मरे हैं, जिसमें टेढ़ की बीमारी आ चुकी थी। तो जो दवाइयाँ मैंने करी हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उन दवाइयों से मैंने अपने कबूतर बहुत हद तक ठीक किया है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दवाई बताता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपकी टेढ़ में काम आएंगी, जो मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं, उनसे सीखा भी है, और कुछ हद तक कबूतर ठीक भी हुए हैं। और जो टेढ़ की बीमारी है अभी तक मेरे यहाँ रह गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि गर्दन तोड़ बीमारी है, एकदम नहीं जाती है, धीरे धीरे कर जाती है। तो मैं आपको कुछ दवाइयों का बताता हूँ जिससे दवाइयों से फ़र्क भी पड़ा है, तो आप उन दवाइयों को लेके अपने कबूतरों को ठीक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, दवाइयाँ देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है नीरोफोट है दोस्तों, ये नीरोफोट दवाई है दोस्तों, जो आप कबूतरों के टेढ़ में बहुत काम आती है, गर्दन टेढ़ में बहुत काम आती है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से पत्ता आता है कुछ 42-43 रुपये का, जो अपने जो टेढ़ कबूतर होते हैं उनको आधी गोली दी जाती है, यानी एक जो टेढ़ में कबूतर हैं आप आधी गोली दे सकते हैं। अगर आपके कबूतर ज़्यादा हैं और ज़्यादा संख्या में टेढ़े हुए हैं, तो मैं सीधे सीधा आपसे यही कहना चाहूँगा कि इनमें से 3-4 गोली निकालने के बाद उसको पीस कर आप उनके पानी के
उसमें रख दें, पानी में मिला दें घोल कर, तो जिससे सारे कबूतर पीते रहेंगे। मैंने तो यही किया था दोस्तों, मैंने सिंगल सिंगल कबूतरों को नहीं दी थी गोली, मैंने तो इकट्ठी गोली तीन चार गोली तोड़ने के बाद उसको पीस कर और उसमें ये गोलियाँ मैंने डाली थी। और दूसरा मैंने इनको थोड़ा सा वैक्सीन भी किया था, जो मैं आपको बता देता हूँ कि किस इंजेक्शन से वैक्सीन किया था वही बताता हूँ आपको दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों ये वो इंजेक्शन है, यो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा कर दिया है और ये किसी केमिस्ट में मिल जाता है, इसका नाम स्टेली। इसको लगाना नहीं है, इसकी चार पांच बूंदें आपको हर कबूतर को देनी है जो कबूतर आपके टेढ़ में रहें। तो विशेष कर से ध्यान रखें दोस्तों कि इसको ज़्यादा नहीं देना है, तीन से चार बूंदें इनको देना है और जो कबूतर टेढ़े हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ये पुराना एक्सपीरियंस अपनाया है जो पहले दिया करते थे। ये पहले इंजेक्शन 3 से 4 रुपये का आया करता था, मगर अब तो ये इंजेक्शन 30 रुपये का आता है और 30 ml का दोस्तों इंजेक्शन है ये, देख सकते हैं आप। और इसको आपको जो कबूतर टेढ़ में हैं उन कबूतरों को आपको देना है दोस्तों। और दूसरा ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि शुरुआत कबूतर की बीमारी में आने से पहले सुस्त हो जाते हैं कबूतर और फूल के बैठने लगते हैं, तो दोस्तों उसी समय आपको ध्यान रखना है, हर कबूतर पर नज़र रखनी है, क्योंकि मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि आपको कबूतर पाल रहे हैं तो आपको कबूतरों में टाइम देना है, टाइम का विशेष तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ ही वही हुआ, क्योंकि मैंने अपने कबूतर टाइम नहीं दे पाया और मैं देख नहीं पाया, क्योंकि एक एक कबूतर से बीमारी फैल गई दोस्तों। तो शुरुआत में आकर कबूतर अगर टेढ़ सुस्त होता है या बीमार होता है तो आपको पैरासीटामोल ये गोली दे सकते हैं, ये पैरासीटामोल है 650 ml, तो इसको आपको कबूतर को जब भी आपको लगे कि सुस्त कबूतर उसी टाइम आपको देखना है और इसमें से 1/4 गोली आपको देना है दोस्तों, 1/4 गोली आपको देना है, 1/4 गोली में ही कबूतर ठीक हो जाएगा। और मैंने वही गलती करी थी जो आपको नहीं करने देना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैंने गलती करी दोस्तों कि मैंने कबूतरों पर ध्यान नहीं दिया, कबूतर सुस्त होते चले गए और कबूतर टेढ़ में आ गए। तो सबसे पहले बीमारी से रोकने के लिए आपको पैरासीटामोल 1/4 दोस्तों देनी है उसकी, देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको ये स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूँ और बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कबूतरों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कबूतर पर आप जितना ध्यान देंगे उतना कबूतर आपका स्वस्थ बना रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बीमारी कबूतरों से एक दूसरे से फैलती है और एक दूसरे तक फैल के सारे कबूतर फैल जाती है, वही मेरे कबूतर को हुआ, देख सकते काफ़ी हद तक मेरे कबूतर टेढ़े हैं, ये कबूतर टेढ़ा है दोस्तों और इसमें एक बच्चा और है जो टेढ़ा है, और करीबन मेरे 7-8 कबूतर ऐसे हैं दोस्तों टेढ़ में थे, मैंने यही दवाई करके उनको ठीक कर लिया है। तो आप लोगों ने गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप कोई पेट्स या जानवर पाल रहे हैं तो विशेष कर से उस पर ध्यान दीजिए, और ऐसी ही वीडियो मैं आपको दोस्तों लाते रहूँगा और बताता रहूँगा आपको दवाइयों के बारे में, क्योंकि जो नॉलेज मैंने यूट्यूब से और अपने उस्तादों से इकट्ठी करी है दोस्तों, तो वो ये सारी मैंने आपको बता दी हैं और काफ़ी हद तक मेरे कबूतर अब ठीक भी हैं। तो दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि कबूतरों की सबसे पहले आप बीमारी में आने से पहले लॉफ्ट साफ कीजिए, क्योंकि लॉफ्ट में ही कबूतरों की बीमारी फैलती है, और अगर आपका कबूतर टेढ़ में आ जाता है तो दोस्तों मेरी तरह गलती नहीं कीजिए, आप अपने कबूतरों को जो बीमार हो रहे हैं उनको अलग कबूतरों से हटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी लॉफ्ट की सफाई भी आपको बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारी लॉफ्ट की सफाई कर दी है और अब कबूतर मेरे स्वस्थ भी हैं और काफ़ी हद तक कबूतर मेरे अब ठीक होने लगे हैं। तो दोस्तों यही गुजारिश